चलिए भरता बनाएं। 3 मीडियम साइज़ के बैंगन ले लीजिए, ऐसे स्लिट काट लीजिए धोने के बाद। अब देख लीजिए अच्छे से कि अंदर से ख़राब तो नहीं। ना ना ना, ख़राब नहीं है। चलिए अब इसके अंदर छिली हुई 3 कली लहसुन की डाल दीजिए, है ना। जब भूनेंगे तो उसमें लहसुन का टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इट्स अ चीट। तो अब गैस की खुली आंच पे इसको अच्छे से अल्टी पल्टी करके भून लेना है। भूनने का कोई फिक्सिंग टाइम नहीं है, आपकी डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर और गैस की आंच के ऊपर। तो आप इसको कंटिन्यू भूनते रहिए, ऐसे हो जाएंगे ये, यानी इसका जो स्किन है वो निकलने लगेगा। गैस बंद करिए, चाकू की मदद लीजिए और इसको पील कर डालिए अच्छे से। पील करके ऐसे रेडी करके एक साइड रख लीजिए, आगे का प्रिपरेशन चालू करते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डालिए, हाँ राई का तेल ही मस्ट है फॉर श्योर। ओके, आप चाहें तो ऑप्शनल ले सकते हैं, ज़िंदगी में हम बड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ, तो उसमें भी ऑप्शन है। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालिए, 1 चुटकी हींग पाउडर डाल दीजिए, 6-7 कली गार्लिक की मैंने चॉप्ड करके ली हुई है, बारीक चॉप करिए, 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा चॉप करके डाल दीजिए, है ना, हल्का हल्का लाल करिए। 6-7 स्लिट की हुई हरी मिर्चें हैं डाल दीजिए। अब देखिए मेरे पास है ना हरा प्याज है, हरा प्याज भी ऑप्शनल है। तो हरे प्याज का जो साग का हिस्सा है वो अलग काटा है और प्याज का हिस्सा अलग काटा है। अब ये प्याज जो है ये 6-7 प्याज है, या एक छोटी कटोरी प्याज समझ लीजिए। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो नॉर्मल प्याज यूज़ कर लीजिए। यहाँ आप इसको देखिए, मैंने इसको अच्छे से लाल करना है। और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप्ड डाल दीजिए, सीड निकाल दीजिएगा। भूनिए 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 भूनिए, कंटिन्यू भूनिए। भरता इज़ अबाउट सौंधापन। अब ये हरा प्याज भी इसमें डाल दीजिए। हरा प्याज नहीं है तो इस स्टेज पे आप हरा धनिया डाल सकते हैं, इस स्टेज पे आप मेथी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, या ड्रिल जो आता है वो भी डाल सकते हैं। और भूनिए 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 भूनिए। ये देखिए ये गोल्डन होने लगा है ना। अब इसमें जो बैगन रेडी है वो डालिए और इसकी मिक्सिंग चालू करिए। मिक्सिंग करने का एक बड़ा इजीली तरीका है, जो मेरा तरीका मैं बताती हूँ, खड़े चम्मच से मिक्सिंग करिए ऐसे, है ना, इस तरीके से आप मिक्सिंग करते जाइएगा करते जाइएगा और ये सब प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट के बाद इसमें हम नमक डाल रहे हैं, नमक बिल्कुल जितना पसंद है उतना ही डालिए, ज़िंदगी में नमक उतना ही होना चाहिए जितनी आपको पसंद है, है ना। ऐसे भूनते 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 इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स ऐसे खड़े चम्मच से मिक्स करने से सारे मसाले मिल जाएंगे और बैगन में अगर ज़रा भी कुछ होगा तो टूट जाएगा। अब इसको हम ढक देंगे अगले 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट बाद हम इसको खोल रहे हैं। आप प्रॉपरली देखोगे मीडियम आँच पे था ये और ये अच्छे से लाल हो गया है किनारे। अब ये हमारा फाइनल स्टेज है, तो हम 1 बॉयल्ड आलू इसमें डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बॉयल किया हुआ है। ध्यान रखिए आलू इसमें ना लबाब क्रिएट कर देता है, एक तरीके का जिसे कहते हैं एक तरीके का ना सौंधापन और लबाब क्रिएट कर लेता है, जो भरते के लिए ज़रूरी होता है। अब इसको आप सिर्फ ऐसे मिक्स करते करते डार्क ब्राउन कर दीजिए और वो रेडी हो जाएगा लाइक दिस। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने सिर्फ इसको भूना है। ओके, हमने ये जो डिश आउट किया हुआ है, हम इसके ऊपर ये अजवाइन और ये राई का तेल है, यही इसका फाइनल टच है। ये देखिए, है ना, रेडी। वाह, रेडी भरता निकालिए, गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ चावल रखिए, दाल तड़का, मूली प्याज हरी मिर्चें और एक अच्छा फुलका, जिंदगी सॉर्टेड है। देखिए टेंशन तो सारे लाइफ के कम नहीं कर सकते, बट ऐसा देसी अच्छा खाना 5% तो ज़िंदगी में खुशियाँ ला ही देता है। अब आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें तो मैं आपको धन्यवाद कह दूँ।